आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो दुनिया बोल है। जनाब, मंडे का दिन है, नए हफ्ते का आगाज है और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि एक नए शो के साथ हाजिर होंगी आपके सामने, तो ये देखिए जनाब, एक नया शो लेके आए हैं आपके लिए। ये शो बहुत ही ख़ास है। अब ये ख़ास क्यों है? ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें हम करेंगे सियासत पर तबसरे, एंटरटेनमेंट की दुनिया से नित नई खबरें लाकर पहुंचाएंगे आप तक और साथ साथ हमारे पाकिस्तान के उभरते हुए सितारों से भी आपको मिलवाएंगे। और इस शो में मैं हूँ आपकी होस्ट वरदा शोएब और मेरे साथ हैं तलहा जथोई और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बड़े खास एक और एंकर, इनका नाम है। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फहीम खान। हम सभी इस शो में मौजूद होंगे। क्यों थला साहब? बिल्कुल सही फहीम, अच्छा शो शुरू करते हैं। हमारे बहुत हैपनिंग्स हैं, बहुत सारे इश्यूज डेफिनेटली, और सियासी एतबार से आज का दिन बड़ा ही अहम है। हम ऐसे वक्त में अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं जब इस्लामाबाद में तब्दीली का शोर मचा है, सियासी मंजरनामे में मुसलसल हलचल मची है, फिल्म सी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फिल्म सी चल रही है जिसमें थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है, अब बस सबको क्लाइमेक्स का इंतजार है। जी हाँ, और इस कहानी का अंजाम क्या होगा, इस पर आगे चलकर शो में बात करें। आगाज करते हैं बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर कौमी असेंबली का इजलास की तारीख आखिरकार आ ही गई है। स्पीकर ने 25 मार्च यानी जुमे को यह इजलास बुलाया है। पहले दिन बस औकात पाने वाले रुकने असेंबली के लिए फातिहा की जाएगी। वफात पा गए थे हमारे रुकने असेंबली, जिसके बाद इजलास मुलतवी हो जाएगा। अगले 2 रोज यानी हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो 2 दिन इजलास की कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता इतवार को डी चौक पर तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर होगा, जिसके बाद पीर को इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी कब, यह अभी क्लियर नहीं हुआ। कौमी असेंबली से जारी ऐलामिये में इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। इसके बावजूद कि ऑपोजिशन ने असेंबली कार्रवाई के लिए आज की डेडलाइन दे रखी थी, जिसे हुकूमत किसी खातिर में ही नहीं ला रही। इस सारी सियासी सूरतेहाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धमकी दे रखी है कि अगर इजलास नहीं बुलाया गया, जब हम कह रहे हैं, तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। आपकी नजर में इस धमकी को आप कैसे देखते हैं? ओआईसी इजलास से हुकूमत को क्या, सॉरी ऑपोजिशन को क्या थ्रेट है इस वक्त, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान जारी किया? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया बोल है प्रोग्राम, तलहा आपको और वरदा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये प्रोग्राम आपने शुरू किया। थैंक यू। अब तलहा भाई, जो इनके ये स्टेटमेंट आई है, ये किस एजेंडे पे है? ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये इमरान खान का भी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक का मामला है। ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस, एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में 15 साल बाद, और 57 तकरीबन ममालिक जो उनके वज़राए खारजा इस्लामी ममालिक यहाँ आ रहे हैं। फलस्तीन पे बात होनी है, कश्मीर पे बात होनी है, और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात होनी है, नामूस रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात होनी है। और ये धमकी देना कि जी इजलास आप करें, अगर आप उस दिन वोटिंग नहीं करेंगे तो हम वहाँ से निकलेंगे नहीं, और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये होश के नाखून लेने चाहिए, इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। फैसल साहब, ये बताइए कि अपोजिशन को आखिर ओआईसी से खतरा क्या है, और अगर अपोजिशन ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो क्या हुकूमत तैयार है इसके लिए, उनका प्लान क्या है? और किसी को कानून हाथ में भी नहीं लेने देंगे, ये भी बात तय है। ना हमने किसी के खिलाफ कुछ करना है और ना हमारे खिलाफ, यानी कि कानून कोई अपने हाथ में ले। आप आराम से जाएं, पार्लियामेंट जाएं, ये ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी, और 23 मार्च की जो परेड है अफवाज पाकिस्तान की, जिसमें वज़रा खारजा जो दुनिया से आए हुए हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, 24 को सब चले जाएंगे, उसके बाद हम आपस का ये देख लेंगे मामला। 27 को जो है इतवार है, और उसके बाद फिर किसी भी दिन वोटिंग हो सकती है, आप अपने मेंबर्स पूरे करें। ये असल में इनकी शिकस्त आशकार है इनके चेहरों के ऊपर, और इसी शिकस्त की वजह से कभी क्या चीज़ बोलते हैं, कभी क्या चीज़ बोलते हैं। लेकिन ये जो ये बात कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं ये बात, ये क्या एजेंडा इनका क्या है?
इस बात से जो उन्होंने कहा जी हम ये कॉन्फ्रेंस जो है नहीं होने देंगे, ये किसके एजेंडा है, क्यों नहीं होने देंगे? फैसल साहब ये बताइए, आपके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई होगी या नहीं? अगर उन्हें पार्टी से आपने निकाल दिया है और वो वापस भी आने को तैयार है तो आप खुले अल्फाज में उनको वेलकम भी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए ये जो अराकीन है, पहले तो हमने इनको शो कॉज दिया कि ये इनके टीवी पे इंटरव्यूज आए हैं कि ये उधर चले गए हैं और ये सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसा चल रहा है, खरीदा जा रहा है इनको, ये गैर आइनी है, आर्टिकल आइन के आर्टिकल 65 से ये गद्दारी के भी मुर्तकिब हुए हैं। ये कह रहे थे कि जो हम आइनी तब्दीली लेके आ रहे हैं, ये आइनी तब्दीली नहीं, आइनी गद्दारी लेके आ रहे हैं। और ये जिस तरह से हो रहा है उधर सिंध हाउस में, जिस तरह से ये सारा चला सबने देखा, हमने इन्हें शो कॉज दिए, 7 दिन के अंदर अंदर ये अपना जवाब दें, हिसाब दें और अपनी पोजीशन क्लियर करें, वापस आते हैं, हम इन्हें वेलकम करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने पार्टी छोड़नी है छोड़ दें, रिजाइन कर दें और इनकी सीट चली जाएगी, उस पर बाई इलेक्शन होगा, जिस मर्जी पार्टी का टिकट लें दोबारा इलेक्शन में मैदान में आ जाए। वैसे फैसल साहब, आपके जवाब से मुझे ये लग रहा है कि आप उन अरकान को माफ करने के लिए तैयार हैं इस सिचुएशन में। देखें ये जब फ्लोर क्रॉस कर देते हैं ना, उससे पहले अभी तो वोटिंग नहीं हुई है, अगर उससे पहले पहले ये वापस आ जाते हैं और पैसे भी उनको वापस ना दें, वो भी ले आए, क्योंकि उनके पास तो चोरी का पैसा सारा, वो ले आए, कोई यतीम खाना खोल लें और सियासी यतीम होने से बचे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये उधर ही चले गए, अगर उधर चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद तल्हा होगा ये कि इनकी पॉलिटिक्स खत्म, इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिलीज, इनके सारे लोग, मोहल्ले वाले। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेंटर फैसल जावेद हमारे साथ थे और उनको लग रहा है कि अब भी जो उनके अरकान उन्हें छोड़ गए हैं वो वापस आएंगे, और हैरत की बात यह है कि पीटीआई उनको फिर भी वेलकम करेगी। अनबिलीवेबल जी जनाब, इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, नंबर गेम क्या है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। ₹2018 इलेक्शन, पीटीआई को नुमाया कामयाबी मिली लेकिन दो तहाई अक्सरियत ना होने पर इत्तेहाद लाजमी था। ऐसे में काफ लीग, एमक्यूएम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक जमहूरी वतन पार्टी और दो आजाद उम्मीदवार भी एक कश्ती में सवार हो गए और यूं हुकूमती सफीना तैयार हो गया। इस वक्त नंबर गेम बड़ा दिलचस्प है। 342 के ऐवान में पीटीआई निशस्तों की तादाद 155 है, लेकिन हुकूमत इत्तेहाद की कुल सीटें 179 बनती हैं, यानी पीटीआई की 155 सीटों के साथ एमक्यूएम की 7, मुस्लिम लीग काफ की 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की 3, जमहूरी वतन पार्टी की 1, अवामी मुस्लिम लीग की 1 और 2 आजाद उम्मीदवार की निशस्तें भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 162 अरकीन मौजूद, यानी पीटीआई की हुकूमत सिर्फ 17 सीटों की बरतरी से बरसर इक्तदार है, और अगर इत्तेहादियों की 23 सीटें इसमें से निकाल ली जाएं तो अपोजिशन नंबर गेम में बाजी पलट सकती है। इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56, मुतहदा मजलिस अमल 15, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप 4, अवामी नेशनल पार्टी 1, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार भी अपोजिशन इत्तेहाद का ही हिस्सा है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन 2018 में 46 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जिनकी माजी में सियासी वाबस्तगियां दीगर जमातों से रही, जबकि 5 आजाद एमएनएस कामयाबी के बाद हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा बने थे, और अब इत्तलात ये है कि इनमें से कई अरकीन खुद अपनी जमात पीटीआई से नाराज हो चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ भी तकरीबन 60 अरकीन असेंबली ऐसे हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में अपोजिशन का दावा यह है कि इमरान खान अक्सरियत हो चुके हैं और अखलाकी तौर पर उन्हें इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी में इत्तेहादियों का बड़ा रोल है, जीडीए क्या सोच रही है, क्योंकि जीडीए भी हुकूमत के साथ है, या आपका झुकाव तब्दील होता दिखाई दे रहा है, कुछ बताएंगी आप? देखिए, पास वो करें या ना करें, मैं शख्सियत से ज़्यादा जो मैं जे है कि पॉलिटिशियंस फेल हो रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, जो सारी हम अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं और इतने सब हम सीनियर लोग भी हैं सारे हैं,
तो हम सब फेल हो रहे हैं, जमहूरियत फेल हो रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो रही है, और इससे जितनी नाउम्मीदी हम फैला रहे हैं, हम जो आवाम को मैसेज दे रहे हैं, देखिए वो बहुत एक खौफनाक रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं, इससे एनार्की की तरफ हम लेके जा रहे हैं, इनटॉलरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी नो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट्स हों, उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट उसका है या अभी के जो हालात का है वो बहुत ख़तरनाक है। उसके साथ साथ ये जो टाइमिंग्स हैं वो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि अपोजिशन के इस रवैये से कि ये जो टाइमिंग्स हैं, जब आपको पता है कि 75th पाकिस्तान डे आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट होता है, एक आर्मी परेड होती है जिसको लाइव भी टेलीकास्ट किया जाता है, जो हम एक मैसेज दे रहे होते हैं पूरी दुनिया को कि हमारी दिफा कितनी मजबूत है, और उसके साथ एक बड़ी एक सेलिब्रेशन की तरीके से यहाँ पे होता है, तो एक तो वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसको ओवरशेडो करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा ख्याल है कि उसने जितना नेगेटिव मैसेज इस वक्त गया है उसके हवाले से कि हमने तो कोशिश ये होनी चाहिए। ये बताइएगा फहमीदा साहिबा कि अगर GDA हुकूमत के साथ है, आप लोग पूरे एतमाद हैं, तो कराची के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से पीर पगारा साहब क्यों नहीं मिल सके? कोई आपको लगता है कि कोई क्या अंदर खाना कोई शिकायत है आपको उनसे? जी देखिए, वो हम पहले अनाउंस कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी वजूहत दूसरी तो है ही कि सिस्टम का बचाव, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बचाव, लेकिन उससे ज़्यादा जो ये वक्त था, ये टाइमिंग जो थी वो बहुत गलत थी, और इसलिए हमने सपोर्ट अनाउंस की। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि तमाम ही इत्तेहादियों को हुकूमत से कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत हैं वादे पूरे ना करने के, तो क्या GDA के साथ भी कुछ इसी तरह की शिकायत हैं, कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं आपकी नज़र में? देखिए, अब मैं किसी और पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कह सकती क्योंकि और सबके भी कंसर्न्स थे, मेरे भी कंसर्न्स थे, और यकीनन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कंसर्न्स जो भी हैं, आई थिंक कि वो बेहतर पोजीशन में है कि वो अपनी बात कर सकें। जी मुझे अब ये बताइए कि इस वक्त महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अपोजिशन से भी बड़ा चैलेंज है, तो इस हवाले से GDA हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ क्या हैं, जबकि कैबिनेट में आप लोगों ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया है, तो फाइनली एक साल भी रह गया आपको इलेक्शन के लिए, तो आप लोगों की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? जी मैंने कहा कि बिल्कुल है, हमें सिंध के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, और ख़ास क्योंकि जिस तरह हम चाहते थे कि ये इनकी गवर्नमेंट के वो सिंध में आके जो रोल और ख़ास तौर पे फेडरल इदारों के, वो सारे कंसर्न्स मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं और काफ़ी अश्योरेंसेस उन्होंने दी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला कि हम कुछ रिलीफ सिंध के लोगों के लिए ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ले सकेंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और यकीनन आपकी जो व्यूज़ थे और आपने जो हमें बताया बहुत अहम था सबके लिए जानना, क्योंकि इस वक्त ये वाजे हो गया है कि कोई भी इत्तेहादियों हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं और सब खुश नहीं है। लेट्स सी सूरत हाल क्या होती है, सियासी सूरत हाल में गहमा गहमी है। फहीम, शोबे सितारों में बड़ी हलचल नजर आ रही है सियासी गहमा गहमी की वजह से। जी बिल्कुल, ऐसा ही है तलहा, क्योंकि जब ऐवानों का माहौल थोड़ा सा हिला जुला होता है तो मुल्क के तमाम इदारों का माहौल थोड़ा सा हिलजुल कर जाता है, और शोबिस भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बेहतरीन एक्टर और बोल इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा नाम, फैसल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, सबसे पहले आपको खुशाबदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं, और ये जानना चाहेंगे फैसल भाई कि तब्दीली आ रही है नहीं आ रही है, खास साहब ने क्या सिनेरियो बनाया हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं शोबिस के जो अदाकार हैं इसे? खैरियत तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन शोबे सितारे हों या अवाम हों, हम बिल्कुल इस तरह से देखते हैं जैसे माँ बाप लड़ते रहते हैं और बच्चे बीच में खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं कि हमारा फैसला कब होगा। ये लोग लड़े जा रहे हैं, हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा। सो हम अवाम की तरह बीच में लटके हुए, कभी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी उधर से धरना होता है, कभी यहाँ से धरना होता है, लेकिन अवाम के हक़ में फ़ैसला कब होगा? जब ऑपोजिशन में होते हैं तो सभी नारे लगाते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो फिर ऑपोजिशन वाले नारे लगाते हैं। हम बिल्कुल
उन बच्चों की तरह हैं जिनके माँ बाप आप लड़ते हैं, सो उन बच्चों का क्या फ्यूचर होता है आप समझ सकते हैं। ये भी तो एक हकीकत है कि जिस तरह की तब्दीली की हमने यानी कि आवाम ने पीटीआई से उम्मीद की थी वो नतायज हमें नहीं मिले, सिर्फ मायूसी मिली, महंगाई बढ़ गई। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, पीटीआई आखिर क्यों अपने वादे पूरे नहीं कर पाई? वेल आई थिंक थोड़ा सा सच्ची बात करूँ तो मुझे लगता है मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पीटीआई की हुकूमत में। खैर अगर वैसे बात करें तो दो साल तो कोविड ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, सो वो दो साल भी बीच में काउंट करने चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा हम बात करते हैं सिंध के अलावा दूसरे शहरों की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें जैसे सेहत कार्ड एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, उसके साथ साथ जो लोग ग्रॉसरी करते हैं और जो इतनी महंगी ग्रॉसरी नहीं कर पाते उनके लिए एक सर्टन डिस्काउंट है, बाकी सूबों में सिंध में नहीं है। और उसके साथ साथ शहर के हवाले से मैं बात करूं या चीज़ों के हवाले से बात करूं तो कुछ चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन हाँ महंगाई हुई और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन अगर हम फिर भी देखते हैं परसेंटेज तो डॉलर उतना महंगा नहीं हुआ जितना इससे पिछली हुकूमत में हुआ था, बट आवाम को थोड़ा रिलीफ में था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से शायद अच्छा तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने की सूरत में अगर इमरान खान साहब वजीर आजम ना रहे तो फैसल ज्यादा खुश होंगे, या आप इमरान खान साहब को ही वजीर आजम देखना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे तो अव्वल ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ फिल्म याद आ जाती हैं जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो क्यों किया जा रहा है। मैं हमेशा से मैं ये बात कहता था कि अगर एक हुकूमत आती है और परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, किसी की भी हुकूमत हो, सो ऑपोजिशन उनके साथ मिलके उसको पुश क्यों नहीं करते कि यार लेट्स डू इट टुगेदर, हम मिलके इस मुल्क को बेहतर करते हैं। हम इस सोच पे क्यों हैं कि ये नहीं कर पाएगा मैं कर लूँगा और जब मैं आता हूँ तो मुझसे भी कुछ नहीं होता, वो तो हमने पीछे देखा ही है। पीटीआई पहली दफ़ा हुकूमत कर रही है, बाकी सारी हुकूमतें पहले हुकूमत कर चुकी हैं जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सो अगर यही अदम एतमाद जो है ये हुकूमत के साथ मिलके आप कहें कि यार आवाम के बारे में सोचते हैं, लेट्स डू इट समथिंग फॉर दिस नेशन, इस मुल्क के लिए कुछ करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, आवाम की सेहत पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं, कुछ फ्लरिश करते हैं थोड़ा सा मिलजुल के। सो अगर आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके पास कोई चीज़ कमज़ोर है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, लेट्स डू इट टुगेदर, लेकिन ये होगा नहीं। बोल एंटरटेनमेंट पे पहली बार आप रमजान ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी? सच बात बताऊं मेरी बड़ी जान निकली हुई है, क्योंकि एक तो इतनी लंबी ट्रांसमिशन करने की आदत नहीं है मुझे। मैं थोड़ा सुकून करता हूँ रमज़ान में, मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा काम ना करूँ, सो एक दो घंटे का काम किया बस बहुत होता था मेरे लिए, पर इस दफ़ा जिम्मेदारी सौंप दी गई है मेरे कंधों पर, लाद दी गई है मैं कहता हूँ, तो कोशिश करूँगा जिस हद तक हो सका, गलतियाँ भी होंगी, होती हैं हर इंसान से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी और बड़ी ट्रांसमिशन जो है वो दें। और उलमाए कराम मेरे साथ हैं, तकरीरी मुकाबले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमदो सना है, सो बात यह है कि एक अच्छा पुरनूर तरीके का शो करने की कोशिश है। बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग अ गेम शो, आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी, मैं इतना खुश नहीं था वो करते हुए, तो मैं भी इस कोशिश में था कि इस साल कुछ ऐसा ना करूं, तो मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इस साल मुझसे ट्रांसमिशन करवाई जाए, तो
बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जी फैसल भाई, आपने पूरी डिटेल तो बता दी रमजान ट्रांसमिशन की। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि रमजान ट्रांसमिशन में कुछ नया प्रोड्यूस करेंगे सोसाइटी की बेहतरी और मजहबी आहंगी के लिए, क्या होना चाहिए आपकी राय में, क्या चीज जो है वो बेहतर होगी, जरा ये भी शेयर कर लें। देखिए, मैं एक तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही, मैं जब भी मुझे बात करने का मौका मिला, जब भी मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं कुछ कह पाऊँ, तो मैंने हमेशा यही बात की। रमज़ानों में मैं, आप, हम सब की कोशिश होती है कि हम कुरान पाक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं। क्या ही अच्छा हो कि इस रमज़ान हम उसको समझना शुरू करते हैं, उसको अपनी ज़बान में पढ़ें, उसको समझें, एक एक बात को अंडरस्टैंड करें, एक एक आयत को अंडरस्टैंड करें, शायद उससे हमारे माशरे में बहुत बेहतरी आएगी, शायद नहीं यकीनन बहुत बेहतरी आएगी। और ये एक ऐसी बात है जो कि दुनिया भर में जो मज़ाहिब हैं उनकी जो भी किताबें हैं वो इसीलिए उनकी ज़बान में लिखी जाती हैं ताकि वो एक्यूरेटली उस बात को समझ सकें कि उनका मज़हब क्या कहना चाह रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जो कुछ हमारे पास है वो इस वक्त दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और हम पता नहीं क्यों इतना दूर बैठ जाते हैं अपनी चीज़ों से ही जाके। सो अंडरस्टैंड करें, इस रमज़ान में समझें। मेरी ये कोशिश है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे मैं बाकायदा तौर पे बात करेंगे हम, और उलमाए कराम यहाँ पे होंगे, दीन की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में, हमारे अंबियाए कराम हैं, हमारे पैगंबर हैं, उन सब की जो ज़िंदगियाँ हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, और हमारी तरफ से पूरी दुनिया बोल है कि टीम की जानिब से आपको रमज़ान शो जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन आप करने वाले हैं बोल एंटरटेनमेंट पे, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आपने देखा तला साहब के, फैसल भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं अपनी रमजान ट्रांसमिशन से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और ये है हमारे सेट का दूसरा हिस्सा। फहीम गए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, अकेले नाश्ता करने चले हैं हमेशा की तरह, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस ज्वाइन करेंगे। इस सेट पे हम आपको मिलवाएंगे अपने मुख्तलिफ सितारों से। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सितारों के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से, क्योंकि यकीनन सियासी सितारे बड़ी गर्दिश में हैं, जिसकी आज हमने आपको मिलवाया अपने एंटरटेनमेंट के सितारों से और बताया कि वो क्या कहते हैं। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, इनके ऊपर लोगों का बड़ा यकीन है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाएं, और काफी ट्रेंड ये बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का और टैरो कार्ड्स का, वरदा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोग आई थिंक इस पे डिपेंड करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एटलीस्ट मैं भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, आपको पता है। आप करते हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत आजकल शुरू हुआ है लेकिन पहले नहीं करता था। अच्छा, नहीं मैं तो करती हूँ। वैसे एक तो एक नॉट दैट मच बिलीव कि आप बगैर देखे या बगैर टैरो कार्ड निकाले या पूछे आप कुछ करें ना, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, और जो आजकल सियासी हालात चल रहे हैं उसमें आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के सितारे क्या कहते हैं, क्या हुकूमत रहेगी, जाएगी, क्या होने वाला है, मुआशी हालात कब बेहतर होंगे, महंगाई कब खत्म होगी, कब हम ये कह सकेंगे कि अब हम हुकूमत से मुकम्मल तौर पे मुतमईन और खुश हैं, और अब हालात सुकून का सांस लेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। अग्रीड ये क्या हम आज जान सकेंगे टैरो कार्ड से, वरदा आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह, ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल, जरूरी सवाल, इमरान खान के सितारे कहाँ हैं? बिल्कुल मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी, जब मैंने न्यू ईयर जब ये स्टार्ट हुआ था, नया साल जब ये स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा था कि फैब मार्च और अप्रैल के जो मंथ्स हैं वो अपोजिशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इमरान साहब के लिए जो है बहुत चैलेंजेस होंगे, काफ़ी सारी आपने देखा था मुश्किल का शिकार होगा सबके लिए, और सियासी माहौल जो है वो गर्म रहेगा, गर्मा गर्मी रहेगी। बिल्कुल आप देख लें आप वैसे
90% जो टैरो कार्ड रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनकी पेशन गोई सही साबित हुई है। 90% मुझे औरों का नहीं पता ना, याद है मुझे, लेकिन मुझे अपना पता है। और जिन्होंने ये बात कही थी कि हमारी तो मुलाकात रहती है, तो उन्होंने भी यही कहा। रीडर्स का क्लब तो नहीं है, सब मिलकर पेशन गोईयां देते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी अपनी ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे इमरान साहब देखें, उनके जो डेट ऑफ बर्थ अगर हम देते हैं 5th October है, और 5 नंबर जो होता है वैसे भी चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल का जो ये नंबर होता है, अगर न्यूमरोलॉजी से हम इसको देखें, कैलकुलेट करें, तो हमेशा चाहे ये साल हो चाहे नेक्स्ट ईयर हो, उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस ही रहेगी। तो अभी तो फिलहाल आप ये बताइए कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही है भाई। और टैरो कार्ड निकालना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कार्ड देखें, हाई प्रेस्टिस का फर्स्ट कार्ड है, देन एम्प्रेस का कार्ड है, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये फर्स्ट कार्ड जो होता है ये वीक होता है, हाँ वीक गवर्नमेंट जो है वो दिन ब दिन वीक जरूर हो रही है, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि इस गवर्नमेंट को कोई हिला नहीं सकता, स्टेबल गवर्नमेंट है, और ये मुश्किलात का जरूर शिकार रहेगी जब तक जो है वो इलेक्शंस नहीं हो जाते। दिन ब दिन चैलेंजेस का इजाफा जरूर होता जाएगा, लेकिन जो है मुझे लगता है ये टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उनसे ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा कि अभी जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, जो आपने कार्ड निकाला कि भाई उनको कोई हिला नहीं सकता, तो इसमें क्या खान साहब के अपने खुद सितारे भी जो है उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? फर्स्ट कार्ड जो है इमरान खान साहब के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद है 10 of Cups का कार्ड है, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ये बड़ी एक इत्तफाक है या एनर्जीज हैं टैरो कार्ड्स की कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि मेंटली चाहे वो भले चैलेंजेस का सामना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत, मतलब बहुत पुरसकून हैं, पीसफुल हैं, और उनको पता है, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब कुछ भी होने नहीं वाला। इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। हाँ देखिए, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ये मुझे लगता है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते अपने पूरे टाइम पीरियड में, इनकी ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग भी, फाइनेंसेस हैं, हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान की देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इनसिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट मेरी इधर उधर हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड आप निकालेंगी पाकिस्तान के लिए, बताइए पाकिस्तान के हालात कैसे रहने वाले हैं? हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, परेशान होगा, खुश होगा, आवाम कब रिलीफ देख पाएगी? ये सबसे बहुत अहम सवाल है कि आवाम को कब सुकून का सांस मिलेगा। देखें, कार्ड्स में आपको पहले शो कर देती हूँ पाकिस्तान के लिए। 6 of Swords का कार्ड है फर्स्ट, देन 3 of Cups का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए रिलीफ जो है वो कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस है पब्लिक की के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए या महंगाई उनके मुताबिक कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान में हालात अप्स एंड डाउन ही रहेंगे, लेकिन बेहतरी नज़र आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा क्रुशल जो दिल रखने के लिए थोड़ा सा है, उनका दिल थोड़ा सा उसे ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। कोई नहीं, ये पेशेंट कोई भले गलत साबित हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते, वायरल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि आवाम को भी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा अगर वो एक्सपेक्टेशंस हाई रखेंगे तो कभी भी वो चीज उनको नहीं मिल सकती। कम एक्सपेक्टेशंस हो जिंदगी उतनी अच्छी होती है, आसान है। उनसे हम सबसे ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों पीटीआई वो डिलीवर नहीं कर पाई जिन सब बातों को उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये आपके टैरो कार्ड के मुताबिक वजह क्या है? मैं आपको बिल्कुल कार्ड्स जो आपने सवाल किया है वैसा ही जवाब मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में। अब देख सकते हैं आप, 5 of Swords का कार्ड है। अब देखिए, 5 तलवारें हैं, जब पीटीआई के साथ 5 तलवारें होंगी, चैलेंजेस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस के ताल्लुकात मतलब सही नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात सही नहीं होंगे, तो कैसे उनकी परफॉर्मेंस दी जा सकती है? फिर यहाँ पे 5 of Wands का कार्ड है, ये कार्ड भी चैलेंजेस, लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल, आपस में ही ये लोग जो है ना, नहीं एक होता है ना कि हमारे मुल्क का रूल है ना, किसी को ऊपर नहीं जाने देते, सबकी टांगे नीचे खींचते हैं, ऊपर कैसे, मुझसे पहले कहीं चला गया, नीचे लाओ इसको। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पीटीआई ब्रेक होती भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आगे अभी चैलेंजेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आगे जाके
कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी कि ये पार्टी जो है वो आगे फेम और मिलता हुआ नजर आ रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच उनसा शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया कि फिलहाल आपकी टैरो कार्ड रीडिंग के मुताबिक हुकूमत में क्या होने वाला है। आसमानी सितारों की पेशनगोई आपने जान लिया, अब एंटरटेनमेंट की दुनिया के सितारों के बारे में कुछ जानने के लिए चलते हैं फहीम के पास। जी फहीम जी, बहुत शुक्रिया तला एंड वर्दा। बिल्कुल उसने शाह ने जो बताया आपने कार्ड्स के हवाले से, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और सियासत पर ही सुख रखते हैं। सियासत के साथ साथ एंटरटेनमेंट के सितारे और पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बोल एंटरटेनमेंट पर भी आप इन्हें देखते हैं। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद है। साहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं कि तब्दीली, सरकार की तब्दीली हो और इस वक्त आप सिचुएशन देख सकते हैं किस तरह चल रही है, तब्दीली आ गई है, नहीं आई है, आने वाली है, क्या हो रहा है, खास आपकी गवर्नमेंट के साथ क्या सिनेरियो देख रहे हैं इस वक्त, जो कि मैंने फैसल भाई से भी यही सवाल पूछा था हमने और आपसे भी यही पूछेंगे कि शोबिस के सितारे क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या इस चीज से सबक हासिल कर रहे हैं। देखें, जब आप बगैर प्लान के साथ किसी चीज को शुरू करते हैं तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता। अच्छा, फिर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल में खान साहब को बहुत ज़्यादा करने पड़े क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं थे, इवन दो के स्लाइटली उनको एज था और उनको गवर्नमेंट बनानी थी, कोलिशन के जाहिर है उनको रास्ते पे चलना था तो वो कोलिशन के रास्ते पे चले। तो पीटीआई तो एक सिर्फ पीटीआई को ही क्यों, आई मीन आज हम पीटीआई की ही बात क्यों कर रहे हैं, बट ज़ाहिर है क्वेश्चन पीटीआई के बारे में है। तो मेरे ख्याल में जब आप ऐसे लोगों को लेंगे जिनका ताल्लुक जिस भी इदारे से आप उनको वाबस्ता करना चाहते हैं, जब उनका उसमें कोई उसमें उनकी कोई एक्सपर्टीज ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। रही बात इसकी कि हमने एक खास कल्चर को अब जन्म दे दिया है और ये पॉलिटिकल टॉक शोज के अंदर बड़ा एविडेंट होता है कि हम वही उसी चीज़ को बेहतर समझते हैं जिस चीज़ के अंदर बहस बराए बहस होती है। तो यू नो, ये कहना कि पीटीआई की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाई तो उसकी क्या वजूहात थी, इसकी कोई भी वजूहात नहीं थी, इसकी वही वजूहात थी जो इससे पहले की गवर्नमेंट की थी या उससे पहले की गवर्नमेंट की थी या उससे पहले की गवर्नमेंट की थी। पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत को डिलीवर करने में बेतहाशा मसाइल का सामना है। रीज़न इज़ बिकॉज आप डिलीवरी तब देंगे ना जब आप डिलीवर खुद करना चाहें या जो रिसिपिएंट्स हैं वो ये डिसाइड करें कि ठीक है उनको ये डिलीवरी। लेकिन साहिर भाई, ये भी तो एक हकीकत है कि जिस तब्दीली की उम्मीद आवाम ने पीटीआई की हुकूमत से लगाई थी वो नतीजे आवाम के सामने नहीं आए, तो इसका सवाल किससे करेंगे? यकीनन पीटीआई से ही करेंगे क्योंकि वही इस वक्त हुकूमत में है। किसी के आने या जाने से ना तो मैं खुश हूंगा ना मैं उदास हूंगा। मैंने आपको पहले कहा कि मैं खान साहब की बहुत कदर करता हूँ, बहसियत इंसान और ह्यूमैनिटी के लिए जितना काम उन्होंने किया वो बहुत बहुत कमाल है। बतौर वज़ीर आज़म मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है। रईस की बात के देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने अभी तक जो भी चीज़ें थी हम उनको उसका कोई रिजॉल्व नहीं है। पानी का मसला जूं का तूं, सिक्योरिटी का मसला वैसे का वैसा, तालीम का मसला वैसे का वैसा, बेरोजगारी का मसला वैसे का वैसा, सेहत का मसला वैसे का वैसा, तो आई मीन हमने क्या मसले हल किए? और किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर है तो वही चीज़ होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के हक में बेहतर ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाए तो फिर इसको वैसे ही होना चाहिए, और अगर हक में बेहतर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हो तो फिर इसको वैसे ही होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या बाकी हम जेन्युइनली ये समझते हैं कि अगर अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो तब्दीली आ जाएगी, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता तो तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हम तब्दील होना चाहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ अस कि हम सिर्फ एक बात पर तवज्जा देते हैं कि इसमें हमारा मफाद क्या है। मैंने अक्सर एक शेर को कोट किया है पाकिस्तान के लिए, दिलचस्प बात क्या है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। आज हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं आप उनसे बैठ के किसी भी बैन अलावामी किसी भी चीज़ पे आप गुफ्तगू करा लें, किसी भी इकोनॉमिक यार्ड स्टिक को देख लें, उनको ये देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी है, इस वक्त हमारी डीप पॉकेट्स नहीं है, इस वक्त हम रिसेशन से गुजर रहे हैं, रिसेशन बल्कि मुसलत कर दिया गया है। लेकिन ये मुसलत किसने किया है? आप मुझे बताइए। अब जो नोविसेज हैं इकोनॉमिक्स के उनको पता है कि आप वर्ल्ड बैंक की तरफ आप IMF की तरफ नहीं देख सकते क्योंकि जब आप देखेंगे तो वो कंडीशंस के साथ आएंगे। हमने ये कशकोल तोड़ा ही नहीं बल्कि इस कशकोल का मुंह और बड़ा कर दिया है। तो जब तक ये कशकोल टूटेगा नहीं, डू यू थिंक पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली फ्री? अब सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो ये कहते हैं कि जनाब यूक्रेन के बारे में बात हो रही है कि रशिया पे सैंक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट्स देयर प्रॉब्लम। अगर सैंक्शंस लगती भी हैं तो वो रशिया पे लगेंगी।
अगर उसका असर पाकिस्तान पे आना है तो जानते हैं क्यों आना है, बिकॉज हम एक ऐसे कमजोर फेस से गुजर रहे हैं जहां हमारी इकोनॉमिक्स बाहर के वाकयात पे डिपेंडेंट है, बाहर ऐसा ही है साहिर भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जैसे बताया कि बहुत साहब हमारे साथ थे, साहिर भाई ने जो है वो अपने कीमती वक्त में समय वक्त निकाल के दिया, और तला साहब शेर आपने सुना, वर्दा आपने भी इनके शेर व शायरी जो है वो। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और तला, गर्मी कितनी बढ़ गई है भाई। गर्मी के आते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, किसी को स्किन के प्रॉब्लम्स, किसी को सियासत के प्रॉब्लम्स, किसी को मईशत के प्रॉब्लम्स, लेकिन आज हम शायद स्किन के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। स्किन के प्रॉब्लम क्योंकि खवातीन को, और मैं मर्द हजरात की बात करूंगी, वैसे तो वो लोग अपनी स्किन का इतना ख्याल नहीं रखते जो कि रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन गर्मियाँ आते ही हम खवातीन की स्किन की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्ने हो जाती है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन टैन होना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सामना करते हैं, और फिर उस पे मजे की बात ये हम गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे सेफ रखा जाए, किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए, इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर द फर्स्ट एपिसोड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा आयशा, जैसे हम बात करते हैं, मुझे बताइए कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं हमारे स्किन से रिलेटेड इतने इश्यूज क्यों बढ़ जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, हमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन पे रैशेज होना शुरू हो जाता है, क्यों होता है? हम एक्चुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमारा नेचर स्किन का थोड़ा सा, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, यू नो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इट्स वेरी कॉमन नाउ अ डेज कि हम लोग क्योंकि स्वेट भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ स्किन केयर रूटीन प्रॉपर तरीके से वो भी यूज़ नहीं हो रही होती। फिर अगर हम डिफरेंट कंडीशंस को देखें, लाइक जैसे कि आपने बात की कि पिगमेंटेशन बढ़ जाती है या टैनिंग बढ़ जाती है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता है तो उस तरह से नहीं होता जैसे होना चाहिए। लाइक आपका जो एक सन ब्लॉक है, इट शुड बी मोर देन SPF 60, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं कि हम SPF 30 लगा रहे होते हैं, या हम बहुत तो 50 पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, या हम ये करते हैं कि प्योर सन ब्लॉक्स इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई लोशन ऐसा ले लेते हैं या बीबी क्रीम ऐसी ले लेते हैं जिस पे लिखा होता है SPF फॉर्मूला। बट सन ब्लॉक शुड बी अ प्रॉपर सन ब्लॉक, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपका जो सन ब्लॉक होता है उसके अंदर ये एक हद तक काम करने की सलाहियत होती है, लाइक 2 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहता है, और फिर 2 आवर्स के बाद आपको रिपीट एप्लीकेशन देनी होती है। अच्छा, और एक सवाल ये भी है आपसे आयशा कि सन ब्लॉक एज पर योर स्किन चूज़ करना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ तमूमन यही होता है ना कि हम किसी भी स्टोर जाते हैं और जो भी उसके काउंटर पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ होता है हम पढ़ के या प्राइस देख के ले लेते हैं। एग्जैक्टली, देखें सन ब्लॉक इस अकॉर्डिंग टू द बेसिकली स्किन ऐसे होता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है तो इट्स बेटर कि आप जेल फॉर्म एप्लीकेशन करें। सन ब्लॉक जेल फॉर्म में भी आते हैं, और जो जेल फॉर्म वाला सन ब्लॉक होता है उसकी अच्छी बात ये होती है कि फ़ौरन से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको स्वेटी फील नहीं करवाता है। या बहुत सारे लोग सन ब्लॉक इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज उनका एक रीज़न होता है कि सन ब्लॉक लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि स्किन पर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रही है, स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारी इर्द गिर्द की धूल मट्टी जो है हमारे चेहरे पर आकर चिपक। एग्जैक्टली, लेकिन आप सन ब्लॉक अगर जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं, SPF 100 यूज़ करते हैं, 90 यूज़ करते हैं, तो वो आपको बेटर प्रोटेक्शन देती है और उसके साथ साथ वो चिपचिपाहट का एहसास नहीं होने देती। अच्छा, डू यू थिंक SPF 50, 90, 100 ये सन ब्लॉक्स इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल अवेलेबल हैं। इवन आई ओन अ ब्रांड एक्चुअली, मेरा अपना जो है वो स्किन वर्जन के नाम से मैंने खुद एक फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करवाई है स्पेसिफिकली सन ब्लॉक की, एंड उसके अंदर SPF 100 ही हमने रखवाया है। अच्छा। और वो भी जेल फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्रीम्स यूजुअली ये करती हैं कि वो ऑफिस गर्ल या कॉलेज गर्ल्स जिन लोगों को कोई क्रीम या मेकअप अवॉइड करना होता है तो वो वाइटिश सी अपीयरेंस देने के लिए क्रीम फॉर्म में लगा लेती हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप वो नहीं टॉलरेट कर सकते, जेल यूज़ करें। सो इट्स बेटर कि आप जेल फॉर्म में यूज़ करें, और इसकी जो 90% या 100 SPF या 90 FPF उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, अगर आप 60 SPF 60 यूज़ कर रहे हैं तो वो 95% ऑफ यूवी रेस को आपकी स्किन पर ब्लॉक करता है, एंड यूवी रेस सिर्फ आपके हमारे यहाँ अगैन यू नो
SPF 90 यूज़ करेंगे तो 97% उसको ब्लॉक करेगा, SPF 100 यूज़ करेंगे तो 99% यूवी रेस ब्लॉक करेगा। अनदर रॉन्ग कंसेप्ट, हम तो घर में बैठे हैं तो हम सनब्लॉक्स क्यों लगाएं, या हम चूल्हे के पास जा रहे हैं तो भी हम सनब्लॉक यूज़ नहीं करते। एग्जैक्टली देखिए, आप घर में बैठे हैं बट आपकी जो विंडोज़ हैं उसको क्रॉस करके भी यूवी रेस पेनिट्रेट होकर आपके घरों में आती हैं। प्लस जो आजकल हम लोग घरों में लाइटनिंग इस्तेमाल करते हैं ना, LED बल्ब्स आ गए हैं, यू नो दिस इज़ मोर डेंजरस फॉर आवर स्किन। आपकी स्किन के अंदर थर्डली फ्लेम एक्सपोजर, जो कि हम सदियों से बोलते आ रहे हैं कि फ्लेम का एक्सपोजर जितना ज्यादा होता है, फिर खवातीन कहती हैं हम ज्यादा कुछ नहीं करते, बस एक चपाती या रोटी बना लेते हैं, यू नो, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए आपके एक्सपोज होता है और वो ज्यादा आपको हीट देता है। सो इट्स बेटर कि आप सनब्लॉक जरूर लगाइए बिफोर गोइंग टू द किचन, और एवरी 2 आवर एप्लीकेशन उसको रिपीट कर लें, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, यू नो, तो बार बार आप पानी लगता है। ये ज़्यादा बेहतर ये है कि जब भी आप चूल्हे के पास जा रहे हैं, चूल्हे के पास जाने से पहले सनब्लॉक लगा लीजिए। अगर बहुत मुश्किल है, आप हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट आप 10 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर लगा लें, और चूल्हे के आगे जाने से आप 10 मिनट पहले सनब्लॉक लगा लें। तो मुझे बताएं कि एक्नी का इशू क्यों आता है, कि अगर हम ये सनब्लॉक यूज़ करेंगे तो क्या हम एक्नी पे कंट्रोल पा सकते हैं? नहीं, सनब्लॉक का एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्नी बेसिकली तमाम लोगों को एक्नी नहीं हो जाती, जब गर्मियाँ आती हैं तो 100% पॉपुलेशन के अंदर एक्नी नहीं होती। एक्नी उन लोगों को होती है जिनकी ऑयली स्किन होती है, या फिर एक्सेसिवली ड्राई स्किन होती है, या वो लोग जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है ऑब्वियसली। और एक्नी के अंदर सिर्फ एक बैक्टीरिया का रोल नहीं होता, समटाइम्स कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि स्वेटिंग की वजह से एग्रीवेट कर जाते हैं, बिकॉज मॉइस्चर का एक मीडियम मिल जाता है उनको ग्रो करने के लिए। सो एक्नी डिफरेंट टाइप्स की होती है, और जब भी आपको एक्नी हो, इट्स बेटर टू सी अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज़ एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए अपनी स्किन के साथ। एंड जो हम लोग एक और बहुत गलत काम करते हैं, जो हमारी विंटर्स की रूटीन चली आती है, एंड स्पेशली कुछ सीरम्स ऐसे आ गए मार्केट के अंदर जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। मैं सवाल करना चाहूँगी आयशा आपसे कि हमें वक्त का भी साथ देना है, साथ चलना है उसके, तो इसमें क्या एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जो मॉइस्चराइजर्स हम सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहीं हम अगर गर्मियों में कर रहे होते हैं तो भी हमारी स्किन पर असर पड़ता है? या ऑब्वियसली बात है, हमें चेंज करना चाहिए। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आपकी विंटर्स में आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ही आपकी गर्मियों शुरू होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, वाटर बेस्ड लोशंस यूज़ करें, एलोवेरा लोशंस यूज़ करें। जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि बर्निंग सेंसेशंस बढ़ जाती हैं, आप चूल्हे के पास जा रहे हैं, आप सन एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि रेडनेस स्किन पर ज़्यादा हो रही है या आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग हो रही है, तो इट्स बेटर कि आप वो एलोवेरा बेस्ड लोशंस इस्तेमाल करें, तो उससे आपको ठंडक का एहसास रहता है। वरना फिर अगर नेचुरल चाहें, नेचुरली कुछ आप लगाना, तो आप डायरेक्टली एलोवेरा का एक प्लांट अपने घर में रख लीजिए और वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो डायरेक्ट प्लांट्स सोर्स होती है, समटाइम्स लोग उससे एलर्जिक होते हैं, तो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट लाजमी बिफोर एप्लीकेशन। आप 2-3 मिनट्स के लिए उसको कान के पीछे यहाँ पर लगा के देखें, मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ से आपको पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली आप 10-15। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। दुनिया का सबसे बड़ा नाम जिनके बारे में कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है, वो कौन? जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको, दुनिया बोल है मैं। जावेद भाई, अब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का फैसला नहीं हो सका, दोनों टेस्ट मैचेस बराबर रहे हैं, जिसकी वजह स्लो पिचेस थी। लाहौर टेस्ट का फैसला होता देख रहे हैं आप, या ये भी बराबर ही रहेगा? कि डिपेंड करता है कि विकेट कैसी है, राइट? आपको विकेट भी देखनी पड़ती है, और अगर फैसला कुन बनाना है तो आप देखना है कि ये अपनी पाकिस्तान, खास तो पाकिस्तान के हाथ में सारी चीजें, क्योंकि अगर मैच जीतना या किस तरीके से, क्योंकि हम होम टीम है और वो अवे टीम है, अवे टीम जब आती है और अगर यहाँ खेल के और ड्रॉ करके भी चली जाए तो इसका मतलब उनकी जीत होती है। तो सारी दुनिया में जो भी कंट्री खेल रही होती है उसके बाद एक एडवांटेज होता है, वो विकेट का होता है, कि आप अपनी विकेट जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, और वो दोनों टीमें उस पर खेलती हैं। अब देखना ही है कि 2 तो मैच निकल गए, अब इस टेस्ट मैच में आप विकेट किस तरह बनाते हैं, अब आपको पता है कि दूसरी टीम जो है वो किस तरह खेली थी, क्या खेला था, उसके हिसाब से। तो मुझे मैं यही समझता हूँ कि दोनों टीमें जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इतना आसान नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिकेट में मिलती है, अब देखना है कि वो कौन उठाता है। तो इस वक्त दोनों टीमें जो है इस काबिल है, दोनों को कॉन्फिडेंस आया हुआ है, अच्छा खेल रही हैं, और लाजमी बात है कि अवे टीम आई है, दुनिया से जो बाहर से टीम आई है उसका भी जो है बड़ा बिल्ट हुआ है, ऐसी हल्की टीम नहीं है, इनके पास भी बॉलर और बैटिंग और सब कुछ है।
और हमारे पास भी है, मगर हमारी टीम को मैच जीतना बहुत जरूरी है और जीतना चाहिए क्योंकि हम होम जी होम क्रिकेट में आपके पास जी जी जरूर जरूर जावेद भाई। अच्छा जावेद भाई, आपने खुद भी कदाफी स्टेडियम में वहां की विकेट पे खेला है, किस तरह विकेट होती है यहाँ? टर्न मिलेगा स्पिनर्स को, उनकी फेवर में होगी या फास्ट बॉलर की फेवर में, या बैट्समैन को फेवर करती है, विकेट किसे फेवर कर रही है? देखें पाकिस्तान में देखें होम टीम जो होती है ना, जैसे हम पाकिस्तान में जब खेलते थे ये हमारे ऊपर है कि हम विकेट किस तरीके से बनाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर आपको हमेशा होम एडवांटेज होता है। और दुनिया में हम जहाँ भी गए, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया से जब खेलते थे वो तेज़ विकेट बनाते थे क्योंकि उनकी जो पावर थी वो सारी तेज़ बॉलिंग पे थी, इसीलिए हमें भी एडजस्ट करना पड़ता होता। और फिर हमें पता होता था जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हम अपने आप को प्रिपेयर करते थे, हमें पता वहाँ विकेट हमें कैसी मिलेगी। तो लाजमी बात है कि विकेट एक ऐसी होता है कि हर कंट्री जो है उसका एडवांटेज उठाती है, वो अपने मुताबिक बनाती है। तो अब देखना ये कि हमारी जो स्ट्रेंथ विकेट बना के और मैच जीतना जो होता है, क्योंकि आप अनप्लेबल विकेट नहीं बनाते, एक अच्छी विकेट बनाते हैं, मगर ज़्यादातर तो आप ऐसे बनाते हैं कि जो आपके बॉलरों। अच्छा, पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच शॉन टेट ने हैरानी का इजहार किया है कि अब ये सीरीज में बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हुई, इसकी क्या वजह देख रहे हैं जावेद भाई? मतलब रिवर्स स्विंग ना होने के ऊपर भी एतराज किया उन्होंने। देखिए रिवर्स स्विंग होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई रिवर्स स्विंग? देखें रिवर्स स्विंग होगी जब बॉल ओल्ड हो जाता है, इसके अच्छा भी होगा। अब डिपेंड करता है विकेट कैसी है, अगर आपकी विकेट यानी ग्रासलेस है तो वहां पर रिवर्स स्विंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, फिर रिवर्स स्विंग को भी कराने वाला भी होना चाहिए, ये नहीं है कि आप और या मैं भी जाके कर ले, इसके लिए बॉलर जो है, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान के पास जितने भी बॉलर आ रहे हैं उन सबको रिवर्स स्विंग करना आती है। वो इसीलिए कि हमारे मुल्क में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है ये बच्चे वहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर विकेट बॉल जो है वो बहुत जल्दी ओल्ड हो जाती है। जस्ट 5-6-8 ओवर के बाद नया बॉल वो है ना, आहिस्ता जो है ना वो ओल्ड एक साइड से है ना पुराना होने लगता है, दोनों तरफ से ही होता है। तो फिर आप उसको एक तरफ से शाइन करके वो खेलते हैं। अगर रिवर्स स्विंग नहीं भी हो रहा तो दुनिया में भी जहाँ है वहाँ पर भी यही होता है कि वहाँ रिवर्स स्विंग होती है मगर अपोजिट में होती है। बहुत खूब जावेद भाई, शॉन टेट को यकीनन जवाब मिल गया होगा आपके जरिए। शायकीन की जानिब से काफी पैगाम देखने को मिल रहे हैं, और लाहौर की जानिब से मैच को कैसे देखते हैं? देखिए लाजमी बात है कि अगर कोई भी टूरिंग टीम आ रही है और पाकिस्तान में ड्रॉ करके चली जाए सीरीज, तो इसका मतलब हमारा तो होम एडवांटेज तो कुछ भी नहीं होगा। सारी दुनिया जो है होम एडवांटेज जो है उनके पास होता है। हम इंग्लैंड जाते थे वो ग्रासी विकेट बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएँ वहाँ बाउंस विकेट बनती है। वो ऑलवेज अगेंस्ट द जो टीम आ रही होती है उसकी स्ट्रेंथ को देख के बनाते हैं सारा कुछ ना, और फिर वो उस तरीके से अपनी टीम को सिलेक्ट करते हैं, उस तरीके से उन्होंने स्टडी की होती है, उन्हें पता होता है कि कौन आ रहा है, किसकी वीकनेस कहाँ पर है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, या नहीं है कि आप आए और आपने खेलना शुरू कर दिया, खेल के चले गए, ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी एक प्रॉपर एक यानी कि आपके साथ कोच होता है, उसके बाद है ना आपके पास कुछ एक्सेस सीनियर प्लेयर होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास होम सीरीज से आप लोगों को लें जो पुराने क्रिकेटर थे वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप खेलते होते हैं अपने मुल्क के लिए, और मुल्क के लिए आप किस तरीके से आपको क्रिकेट खेलना चाहिए अगर वो नहीं देंगे और सामने वाली टीम को बेनिफिट देंगे तो लाजमी आता है कि आप होम टीम भी मार खा रहे हैं और अवे जाते हैं। अच्छा जावेद भाई, हॉल ऑफ फेम में आपका नाम आया है, ये यकीनन शायकीन क्रिकेट के लिए फायदेमंद भी है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल को आप? नहीं, बड़ी खुशी की बात होती है, एक ऑनर होता है, लाजिम आते हैं हॉल ऑफ फेम में वर्ल्ड ओवर जो प्लेयर थे वो सब आए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मतलब पहले भी मिला था मगर उसकी जो प्रेजेंटेशन जो है वो अब हुई है, ये मिले हुए तो काफ़ी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, फिर भी मैं जो भी हमारे खास पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो मैं कहता हूँ देखो ये चीज़ें तो ठीक है या आप परफॉर्म करो या खुद ब खुद मिलती जाती है, बट डोंट गो फॉर दिस। आप सबसे बड़ा ऑनर जो है टू प्ले फॉर द कंट्री,
अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और लाजिमत है जब आप अपनी कंट्री को लीड करते हैं, फिर आपका माइंड जो है वो हमेशा होना चाहिए कि अपनी पूरी 20 करोड़ 25 करोड़ की आवाम जो है उसका फोकस आपके ऊपर होता है जब आप खेल रहे होते हैं, तो आपको उसके मुताबिक उतरना होता है, अपने मुल्क को संभालना होता है, कंट्री कम फर्स्ट, और उसमें लाजिम आते फिर आपको इज्जत भी मिलती है, परफॉर्म करेंगे और ऊपर जाते हैं, मुल्क का नाम होता है, अपना नाम होता है, और हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। हमारी क्रिकेट इन प्लेयरों के ऊपर ही, आप लोगों के ऊपर ही रिबाउंड करती है, रिवर्स आगे पीछे, जो हमारे प्लेयरों का काम है अपने आप को बिफोर द मैच इस तरीके से जाएं कि यू गॉट अ शो। जी जी जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। इसमें क्या है फहीम आपके पास आज? बोल बस में बहुत ही जबरदस्त खबर है जो कि नाजरीन के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हुमायूं सईद के बाद अहद रजा मीर भी नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आएंगे। जी हाँ, सीरीज में जापानी वीडियो गेम पर मबनी होगी और अहद रजा मीर जल्द ही नेटफ्लिक्स की हॉरर सीरीज जिसका नाम है रेजिडेंट ईविल में बरतानवी, अमेरिकी, जापानी और यूक्रेनी अदाकारों के हमरा एक्शन में दिखाई देंगे। इससे कबल भी अहद रजा मीर बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं और अहद रजा मीर ने इसकी तस्दीक खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए की है। उन्होंने अपने आने वाली सीरीज की तस्वीर शेयर की और नीचे 14 जुलाई की तारीख भी दी है। इस पोस्ट पर दीगर अदाकारों के साथ साथ मारा खान ने भी कमेंट किया और उनकी इस अचीवमेंट पर सराहा है। याद रहे बरतानवी शाही खानदान कुछ पर मबनी ये कहानी है नेटफ्लिक्स के सीजन द क्राउन में, जिसमें हुमायूं सईद को भी एक कैरेक्टर मिला है, डॉक्टर हसनत का ये कैरेक्टर है और देखें आगे क्या होने वाला है। तला साहब, पाकिस्तान के दूसरे अदाकार हैं ये जो कि नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही बड़ी सीरीज का हिस्सा बन रहा है। रेजिडेंट ईविल आपने पहले देखी है? रेजिडेंट ईविल मैंने देखी है, होनी मूवी है ये शदीद, एंड इट्स लाइक अ कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के अब्बू अगर हम इन्हें कहें तो ये गलत नहीं होगा, जिसमें इन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो चीज काबिले तारीफ है वो ये है कि पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया भर में जा रहा है। ये बात काबिले फखर भी है तलहा, मैं कहूंगी बिल्कुल कि ये बात काबिले फखर है कि हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अदाकार इंटरनेशनल वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अहद रजा मीर पर जब ये इल्जाम नेपोटिज्म का बड़ा उनके ऊपर जो है वो एक तलवार लटकी रही है अपने वालिद की वजह से, लेकिन अब जाकर के ये बात क्लियर हो गई है कि नेटफ्लिक्स पर कोई नेपोटिज्म नहीं चलता है, कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता है, जहां टैलेंट होगा वही आगे बढ़ेगा और अहद रजा मीर कर दिया है कि वो टैलेंटेड है। पूरी सूरत हाल है, मौशी हालात की अगर हम बात करें तो महंगाई उरूज पर है और बोल न्यूज पर हमने आज से नए मॉर्निंग शो का आगाज भी किया है और पहले शो में आपका टाइम देने का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। अब मार्केट क्रैश हो चुकी है, हम देख रहे हैं 624 पॉइंट्स हफ्ते में गिरे हैं, आज मंडे है, यकीनन मार्केट का अच्छा आगाज हुआ होगा, कुछ करेक्शन हम देख रहे होंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसमें आप क्या देखते हैं, मईशत कहां जाएगी और क्या होने वाला है, सरमायाकार क्या करे? ये डिपेंड करता है कि अगर जो है वो हुकूमत चली जाती है और फिर कितना जल्दी जो है वो नई हुकूमत इंस्टॉल हो जाती है। ओके। और उस जो नई हुकूमत है उसकी जो है ड्यूरेशन क्या होती है, वो कितना अर्सा के लिए जो है वो हुकूमत रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। तो वो एक ये जो अनसर्टेनिटी है आई बिलीव कि ये जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई लिटिगेशन हो गया या कोई और जो है वो चीज़ें इसके अंदर इस मामले को जो है वो लिंगर ऑन करेगी तो आई बिलीव कि फिर वही ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ जो भी दिस वे और देट वे दोनों साइड पे जो है वो कोई भी डिसीशन होगा तो फिर ये है कि महंगाई इस महंगाई की वजह आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब की गलत मुआशी पॉलिसी या कुछ और? महंगाई जो है वो पॉलिसी की वजह से नहीं है, महंगाई मेनली जो ज्यादा है वो कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ गई हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है, एडिबल ऑयल प्राइस बढ़ गई है, कोल प्राइसेस और इसी तरह दूसरी जो कमोडिटीज हैं
उनकी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से ये हमें इतनी ज्यादा महंगाई जो है वो नजर आ रही है। उसमें कुछ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन बेशक हमारे रुपए को वीक होने का है कि जो रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है या रुपये डिवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से भी जो है वो इम्पोर्टेड यकीनन आरिफ साहब वैल्यू हो रहा है और ये एक बड़ा कंसर्न है हर पाकिस्तानी का कि रुपया आखिर कितना और गिरेगा। 180 गुजर गया है, पता नहीं 190 लोग 200 की आवाजें लगा रहे हैं। ये बताइए कि हमने पॉलिटिकल सिनेरियो जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनली, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पाकिस्तान रूस की साइड पर है, इससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? साथ साथ जो हमारी मुआशी समत है, हमारी डायरेक्शन मईशत की, वो इस वक्त कहाँ जा रही है? डिफॉल्ट होने का खतरा तो नहीं? जी, आई थिंक ये उसका जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करेगा रुपए की वैल्यू का भी जो है वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कैसे रहती है। अगर वो हायर साइड पे रहेंगी तो चूंकि आप पे प्रेशर होगा, आपके डॉलर ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे और डॉलर आप अर्न कम कर रहे होंगे तो वो फिर रुपये की कीमत के ऊपर जो है वो प्रेशर रहेगा और रुपये की कीमत पर प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली लोग जो है वो गवर्नमेंट को बोले इल्जाम फहराएंगे कि उसकी वजह से जो है वो महंगाई हो रही है। जाहिर जिसका भी टेन्योर होता है हुकूमत का, और अगर ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं होते हैं, अगर कोई नेगेटिव होती है तो उसका बर्डन भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, और अगर कोई पॉजिटिव राइट लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, पीटीआई की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने सही फैसले किए या नहीं? जी जी, आई थिंक बिल्कुल इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल ठीक रही है और उसके अंदर सिर्फ उनका जो बैड लक ही रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होना और इसमें आई थिंक शुरू में जो रुपए की कीमत को बहुत ज़्यादा जो है वो गिरने देना, ये आई थिंक सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक मामला जो है वो रहा है। और फिर उसके साथ इंटरनेशनल कमोडिटी क्राइसिस का सुपर साइकिल आ जाना या इसको कहते हैं कि क्राइसिस बढ़ जाना, वो इनके लिए बदकिस्मती का जो है वो बायस हुआ है। और आम आदमी जो है वो शायद पढ़े लिखे लोग और दूसरे को वो देखते हैं कि ओवरऑल दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी का जो है वो तो कंसिडरेशन ये होता है कि भाई मेरी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है और उसको वो सारा उसका जिम्मेदार जो है। राइट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लीस्ट आरिफ साहब, इस सारी सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी कहाँ खड़ी है? क्या आप इमरान खान पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोजिशन को? ये क्लियर कर दें प्लीज। बिजनेस कम्युनिटी तो पार्टीज के साथ नहीं खड़ी होती है, वो जो हुकूमत की पॉलिसीज के साथ जो है वो खड़ी होती है। जो भी कैप्टन है उसके साथ जो है वो खेलना होता है प्लेयर को, और कैप्टन बनाना या कैप्टन हटाना ये कोई बिजनेस कम्युनिटी का तो काम नहीं, उसका तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है और वो पॉलिटिकल प्रोसेस एज फार एज कानून के अंदर रहकर हो तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर कानून या कानून की स्पिरिट को डिफाई करके अगर कोई काम होता है तो फिर बिजनेसमैन और बिजनेसेस जो है वो नर्वस होते हैं, क्योंकि जहाँ भी अगर रूल ऑफ लॉ ना हो और उसको जो है वो वायलेट करके काम हो रहा हो तो फिर जो है वो फिक्र वाली बात होती है बिजनेस के लिए। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेसेस के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज हैं कि जारी पॉलिसीज कैसी हैं और आइंदा जो है वो पॉलिसीज कैसी रहेंगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जाहिर गवर्नमेंट की तमाम गवर्नमेंट्स की ये नीड है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके हों, एक्सपोर्ट्स जो है वो कारनामा हाल ही में हमारे सामने आया है। एहसन रमजान ने सिर्फ 16 साल की उम्र में स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है और सबको हैरान भी कर दिया है। ये ज्यादा हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि उनका ये पहला वर्ल्ड टूर्नामेंट था। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर उनसे बात भी करेंगे। क्या बात है जनाब, तो एहसन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले मैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की, ये सारा सफर कैसा रहा, कैसे आगाज किया स्नूकर खेलने का आपने? जी,
जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सीजन से नवाजा, और ये स्ट्रगल काफी स्ट्रगल थी इसके पीछे। मैं 2 साल से इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर रहा था लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो जाता था, तो मैंने काफी ज्यादा डिसहार्ट भी होता था कि ये हर बार कैंसिल हो जाता है, लेकिन इस साल फिर मैंने सीनियर मेंस की नेशनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया इंटरनेशनल के लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे पहले टूर में ही नवाज दिया, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट इवेंट था इंटरनेशनल। बहुत खूब। अच्छा ऐसा, हमारे यहाँ आमतौर हर लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है, आपका रुझान स्नूकर की तरफ कैसे आया? मेरे बाबा वो बिलियर्ड खेलते थे अपने घर में, वो पूल गेम रखी थी, पॉइंट्स क्वालिटीज के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें देख के मुझे शौक हुआ इस चीज का और मैंने ये गेम को ज्वाइन किया। उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं और अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश पूरी की। इतनी छोटी उम्र में ऐसा ना, आपने स्नूकर पे इतनी ग्रिप कैसे हासिल की? टीचर कौन है आपका? जी उस्ताद तो मेरे उस्ताद शाहिद हुसैन है, वो तो पहली बार तो मुझे आसिफ भाई और उस्ताद शाहिद ही मेरे घर मुझे लेने आए थे कि ये बच्चा हमें दें, हम इसे कोचिंग देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ट्रेन हो जाए। तो काफी स्ट्रगल भी इसके पीछे, और मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला की देन है जिसकी वजह से मुझे कुछ चीजें नेचुरल है, मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती खेलते वक्त, अल्लाह ताला ने बहुत चीजें अता की हैं। तो गेम में काफी ज्यादा स्ट्रगल थी 4-5 साल। अच्छा ऐसा ये बताइएगा कि पहली स्टिक पकड़ी जैसा कि आपने बताया, तभी फैसला कर लिया था कि स्नूकर ही खेल लिया है, और कैसे आगाज हुआ था इस खेल का? मतलब आपने बताया है कि आपके वालिद खेलते थे, तो घर से ही खेलना शुरू कर दिया था या बाहर स्नूकर क्लब वगैरह जो बने होते हैं वहां जाकर के आपने खेला? जी वहीं पे घर में ही हुआ था, तो मैं ऊपर गया था रूम में खेलने, तो उन्होंने मुझे डांटा कि आप नीचे चले जाओ। फिर कुछ दिन बाद मैं फिर खेल रहा था, तो उन्होंने कहा चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो फिर लास्ट टाइम भी जब मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हुआ था तो मुझे बहुत उनको बहुत खुशी थी, लेकिन उनकी उनके बाद डेथ हो गई, फिर मैं नेशनल चैंपियनशिप से वापस आ गया था। तो उसके बाद काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने देखे आप ये बताइए मुझे कि हमारे यहाँ हर स्पोर्ट्समैन को शिकायत होती है कि उन्होंने गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो आपके साथ क्या हुकूमत ने सपोर्ट की है आपको? देखें ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पहले जो भी हुआ है हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं, मैंने जो सुना है कि उन्हें अवार्ड नहीं मिले, और मैं अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने फर्स्ट टाइम ये इवेंट अपने नाम किया और मेरे लिए कुछ बेहतर होगा। मैं हुकूमत से भी यही मेरी है कि कुछ वो मेरे लिए बेहतर करेंगे, और जो स्पॉन्सर्स हैं ऐसा ना, बहुत ही छोटी उम्र में आप वर्ल्ड चैंपियन हैं माशाल्लाह, और कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इन योर केस अभी स्नूकर से आगे के इम्तिहान और भी हैं, तो आगे का क्या प्लान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतनी स्ट्रगल की थी इस काम के लिए, और इसे छोड़ना तो नहीं है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूंगा। आगे मेरा वर्ल्ड गेम में नाम आया है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, वर्ल्ड गेम की चैंपियनशिप होगी जुलाई में, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी मेहनत करके जाऊँ, जो भी मेरे से हो सका जितना टाइम हो सका मैं मेहनत एक ईमानदारी के साथ करूंगा अपने काम के साथ मुखलिस होके, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। और जब तक मेरी जिंदगी है मैं यही कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में इसी तरह टाइटल लेकर आऊं। ये बताइए कि हमने बहुत अच्छी है कि आपके वालिद साहब नहीं है आपके साथ, तो ये बताइए कि आपकी फैमिली के मुताबिक कुछ डिटेल्स बताइए हमें, कौन टेक केयर करता है आपकी? फैमिली में तो अभी ना मेरी वालदा है और ना मेरे वालिद हैं, और मुझे इस चीज़ पे कभी, जब मैं लास्ट टाइम भी चैंपियन बना था तो इस चीज़ को मैंने बहुत वहाँ पे कंट्रोल किया था लेकिन मेरे आंसू निकल गए थे। तो माँ बाप ना हो तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहन भाई भी यही चाहते थे कि आप कोई काम कर लो या स्टडी कर लो, एक काम कर लो, ये स्नूकर कोई फ्यूचर नहीं है। और मेरे में देखें कोई भी चीज़ है, इंसान को अपने ऊपर फुल एतमाद होता है कि मुझे एतमाद था कि इंशाल्लाह मैं स्नूकर में कामयाब होऊंगा, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। स्टडी थोड़ी सी डिस्टर्ब रही इस वजह से क्योंकि माँ बाप नहीं थे, मेरे पास च्वाइस थी कि मैं स्टडी करूँ कि स्नूकर करूँ। अगर मैं स्टडी की तरफ ज़्यादा तो ये मुझे पता था कि कम से कम 10 साल बाद मुझे कोई जॉब मिलेगी, और अगर मैं स्नूकर की तरफ आया तो मुझे पता था कि ये मेरे पास एक चांस है कि मैं किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता हूँ, स्टडी में बाद में भी कंटिन्यू करूँगा। इसकी वजह से स्टडी डिस्टर्ब रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने स्टडी छोड़ी थी अभी मैं जी बहुत बहुत ऐसा जी बिल्कुल टाइम पूरा हो गया हमारा टाइम बिल्कुल हमारा पूरा हो चुका है। फॉर द लास्ट वर्ड्स
जी बस मैं कहना चाहूंगी कि कल फिर मुलाकात होगी आपसे और इसी टॉपिक पे, जो कि तलहा ने कहा कि वाईसी का इजलास होने वाला है और बहुत चीजें हलचल होने वाली है सियासी मैदान में, तो कल इस पे तबसरा करेंगे, बातचीत करेंगे और कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिएगा आपके फेवरेट मॉर्निंग शो दुनिया बोल है से, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।